हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 6, वर्कशीट नंबर 4. चैप्टर नेम इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. बच्चे, एग्ज़ाम से पहले हमने वर्कशीट 1, 2, 3 की थी चैप्टर नंबर 6 की. नाउ टुडे वी आर डूइंग वर्कशीट नंबर 4. ठीक है, वर्कशीट नंबर 4. बच्चे, वही सेम प्रोसेस है जो हमने वर्कशीट नंबर 1, 2, 3 में किया था. ठीक है, इसमें थोड़ी सी टर्म्स चेंज हो चुकी हैं, बाकी सेम वही रहेगा. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. इनको प्रोडक्ट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट्स बताना है. दो टर्म्स दी हुई हैं, एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1. ठीक है, तो हमने इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है. तो बच्चे, इसमें हम क्या करते थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग. इसमें क्या करना है हमें, एक्स प्लस 3, तो पहले हमने ये एक्स से मल्टीप्लाई करना है. किसको? इस टर्म को, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 को. ठीक है, फिर उसके बाद हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1. राइट, चलिए अब हम करते हैं. पहले एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1. फिर उसके बाद हमारे पास प्लस 3 है, प्लस 3 को फिर हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1. राइट, फर्स्ट स्टेप में हमें ये करना है. राइट, अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका x बाहर है इसको हम एक्स स्क्वेयर 2x और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो बच्चे देखिए, यहाँ x की पावर कितनी है, 1, और ये x की पावर है 2. दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो एक्स 1 और एक्स 2 दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, एक्स 3. यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, अदरवाइज हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एक्स 1 मल्टीप्लाई एक्स 2. नेक्स्ट स्टेप में हम फिर इसको क्या लिख देते, एक्स 3. तो अब हमने ये प्रैक्टिस हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर. टोटल कितना हो गया, एक्स पावर 3. फिर हम करेंगे 2x मल्टीप्लाई एक्स, कितना हो गया, 2x पावर 2. एक्स और एक्स, एक्स 1 एंड एक्स 1 दोनों कितने हो गए, एक्स पावर 2. फिर x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स. राइट, अब हमें करना है 3 मल्टीप्लाई एक्स पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 2 6, और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2x हो गया. और माइनस 1 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे माइनस 3 होगा. राइट, क्योंकि माइनस को जब हम प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन आता है. तो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो नंबर, जो आपके पास टर्म है उनको हमने इकट्ठा करना है. पहले हम फाइंड आउट करते हैं, एक्स पावर 3 वाली कोई टर्म है इसमें, नहीं है, तो हम सीधा इसको लिख देते हैं एक्स पावर 3. ठीक है, फिर उसके बाद हम स्क्वेयर वाली टर्म्स देखते हैं, 2x स्क्वेयर और 3x स्क्वेयर, ये दो टर्म्स हैं. ठीक है, तो हमने इन दोनों को पास में इकट्ठा लिख दिया. राइट, फिर उसके बाद माइनस एक्स है और ये प्लस का 6x है, तो इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया, माइनस एक्स प्लस 6x, और लास्ट क्या बच गया हमारे पास, ओनली 3. तो इस स्टेप में हम ये करेंगे. अब हमें क्या करना है, सेम टर्म्स हैं उनको प्लस माइनस कर देते हैं. ये एक्स 3, 2x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर कितना हो गया, 5x स्क्वेयर. 2 एंड 3 5, दोनों में बीच में प्लस का साइन है, 5x स्क्वेयर. माइनस एक्स और प्लस 6x, बच्चे ये 1x है माइनस का और ये 6 है प्लस का. ठीक है, तो इसमें प्लस का 6 ज़्यादा है, ठीक है, और माइनस का 1 है और ये प्लस का 6 है, तो कितना बच गया हमारे पास, प्लस का 5. 1 आपने देने हैं, 6 आपके पास है, तो आपके पास अपने कितने बच गए, 5. ठीक है, तो 5x ये आएगा और ये माइनस 3, तो लास्ट में आपके पास ये आपका एक्चुअल आंसर बन जाता है, x पावर 3 प्लस 5x पावर 2 प्लस 5x माइनस 3. राइट, अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, x 7y माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ 5y स्क्वेयर माइनस 3y प्लस जेड. तो ये हम करेंगे माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस 2 है. अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं. पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7y से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे.
चलिए अब हम इसको करते हैं, 7y से 5y² ये लिख दिया मैंने, अब इसको कर दीजिए 7y मल्टीप्लाई 5y² तो क्या बन गया ये 7y मल्टीप्लाई 5, 7 5 35 और y1 and y2 टोटल कितना बन गया आपके पास y³। तो ये हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, पहले हम इसको सीधा 7 5 30 7 35 y and y² ये हो जाएगा, फिर 7y को 3y से मल्टीप्लाई किया, 7y को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही नेक्स्ट को नेक्स्ट पार्ट में -2 को 5y² से मल्टीप्लाई करना है, फिर -2 को -3y से मल्टीप्लाई करना है। बच्चे इसमें क्या हो जाएगा, माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है, तो +2 × 3y हो जाएगा ये। अब ये +2 है और ये -2 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, -2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बन जाएगा ये। तो अभी हमने इस स्टेप में नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे इसको, ठीक है। तो अब ये देखिए 35y × y² टोटल कितना बन गया, 35y1 and y2 y3, 7 × 3 21 और y1 and y1 टोटल बन गया y2, 2 × 7 14 और ये y, 2 × 5 10 और ये क्या बन गया y^2, +2 × 3 6 और ये y, -2 × 2 क्या हो जाएगा 4। अब हम इसको पहले इकट्ठा कर देते हैं टर्म्स को, y³ y³3 वाला 35y³ और कोई भी नहीं है y³ वाला, फिर उसके बाद हम करते हैं -21y² और -10y² इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया, फिर उसके बाद y वाली नंबर्स ले लेते टर्म्स ले लेते हैं 14y and 6y इन दोनों को इकट्ठा कर दिया और फिर लास्ट में क्या बच गया हमारे पास -4। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं 30y³ -21 and -10 टोटल कितने बन गए -31y² और 14y + 6y टोटल कितने बन गए 20y और ये आपका -4 रह गया। तो बच्चे ये आपका लास्ट आंसर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट, p³ + 3p + q और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 9p + 2q। तो बच्चे ये आपकी 3 टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स हैं, तो हम क्या करते हैं पहले 2 टर्म्स को पहले लिख देते हैं और ये जो लास्ट वाले जो 3 नंबर्स वाले टर्म है इसको पीछे लिख देते हैं, कि फिर हमारा करना आसान हो जाएगा। पहले हम इसी नंबर को सेम वही प्रोसेस होगा 9p से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद 2q से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चे इसको आप लोग अपने आप करके देखोगे, ठीक है, 9p × p³ तो क्या बन जाएगा 9p⁴ और 9p को 3p से मल्टीप्लाई करेंगे 27p और 9p को q से मल्टीप्लाई कर देंगे 9pq +2q × p³ 2q × 3 ये कितना बन गया 2 3 6 और pq बन जाएगा 2q × q 2 q/2 हो जाएगा, q1 and q1 दोनों मिलके q/2 हो जाएगा। अब इसको सभी टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं जो एक जैसी हैं, 9 power 9 and p power 4 27p² ये और p² और कोई है नहीं है, ठीक है, फिर pq 9pq and 6pq इन दोनों को इकट्ठा कर दिया हमने, 2q p³ ये नहीं है और कोई भी नहीं है 3 वाली पावर और ये p, फिर उसके बाद हम लेते हैं यस बाकी क्या बच गया 2q/2, ठीक है। तो अब हम इनको प्लस कर देते हैं 9p⁴ 27p² एंड 27p² p² वाली कोई भी नहीं है तो अब हम इसके p³ q पहले 3 4 वाली पावर फिर 3 वाली फिर उसके बाद 2 वाली 27p² फिर उसके बाद ये भी q² वाले भी 2q² फिर उसके बाद 9 and 6 टोटल कितने हो गए 15pq। तो बच्चे आपको यही चेक करना है पहले 4 वाली पावर फिर 3 वाली पावर फिर 2 2 वाली पावर्स वो लिखना है फिर उसके बाद लास्ट pq 1 1 वाली पावर्स को लिखना है, ठीक। तो लास्ट में आपका आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये आज आप लोग अपनी नोटबुक में करोगे और इसको रिवाइज करोगे। थैंक यू।